ये है एलईडी बल्ब्स जो अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसके मुकाबले। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं अपनी बाइक का इंडिकेटर का बल्ब चेंज करने वाला हूँ, जो कि नॉर्मल हेलोजन बल्ब से मैं इसमें एलईडी बल्ब को कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि बैटरी ड्रेन जल्दी नहीं होता, क्योंकि पावर कंजप्शन कम रहती है इंडिकेटर बल्ब जो एलईडी के आते हैं, तो इस वजह से मैं चेंज करूँगा। और उसकी वाइट जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट रहती है, तो इसलिए मैं वही डालूँगा अभी इसमें इंडिकेटर जो एलईडी बल्ब्स आए हुए हैं। तो ये है एलईडी बल्ब्स जो अभी मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो आप, ये बेटर क्वालिटी के, अच्छे क्वालिटी के एलईडी बल्ब्स हैं, नॉर्मल वाले नहीं हैं, अच्छे क्वालिटी के बल्ब्स हैं। तो ये बल्ब इंस्टॉल करूँगा मैं अभी, और आपको दिखाता हूँ कि इसकी लाइट नॉर्मल जो बल्ब है उसमें कैसी लाइट है। तो ये देख सकते हो हज़ार पे क्या कैसी लाइट चल रही है। तो इसमें डिफरेंस मैं दिखाऊंगा, अभी एक में फ़िट करूंगा तो दूसरे दोनों को देखकर आप ना उसमें डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा। तो मैं अभी एक इंडिकेटर खोल लेता हूं और ये लगा के दिखाता हूं आपको कि कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है ब्राइटनेस और कितना फ़र्क पड़ता है ब्लिंकिंग में। तो मैं पीछे के इंडिकेटर पहले से स्टार्ट करता हूँ इससे। तो इसमें क्या है, ये खुलेगा ऐसे कि यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को ओपन करेंगे तो ये पेच आ गया बाहर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंडिकेटर के इसमें वॉशर भी होता है स्क्रू के साथ, तो इसको ध्यान से निकालिएगा क्योंकि वाटरप्रूफिंग का काम यही करता है। ये वॉशर नहीं होगा तो इसमें थोड़ा मॉइस्चर जा सकता है। इंडिकेटर जो भी हैं, इंटरसेप्टर और जीटी के सेम हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और इसको थोड़ा सा यहाँ से खोल करेंगे तो ये देखो बाहर आ गया, यहाँ से बाहर आ गया। अंदर एक कैपलर है, उसको हम निकाल देंगे, बस निकाल के चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये कैपलर एक निकल गया, ये कैपलर यहाँ, एक यहाँ पे कैपलर लगा होता है इस जगह पर, ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। तो ये दोनों कैपलर यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें है, ये दोनों कैपलर निकालते हैं, ये बाहर आ जाएगा। देखिए अब ये चीज़ हो गया, तो इसको पिन को और इसको दोनों को साथ में यहाँ हम दबाएँगे, दबाते के साथ ये देखो, अब इधर इधर से दबाऊँगा, एक हाथ से थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये देखो ये दबाते आ गया बाहर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको निकालते हैं, अब ये वाली एलईडी फिट कर देंगे हम। तो प्रेस करके हमने घुमाया और बाहर खींच लिया इसको, तो ये बल्ब हमारा नॉर्मल बल्ब जो है हम बाहर आ गया ही है। इसको यहाँ रखते हैं और इसकी जगह सेम वैसे ही जैसे वो निकला वैसे ही हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप ये देख सकते हो, ऐसे मैंने इसको फिट कर दिया और वापस इसको इसमें डाल देंगे। देख सकते हो मैंने एलईडी वाला बल्ब यहाँ लगा दिया है। अब इसको मैं फिट करके देखता हूँ, ये मैंने लगा दिया इसमें और इसको दबा के और नट लगा बोल्ट ये पीछे लगा। तो अभी आप देख सकते हो इसमें एलईडी मैंने इसमें फिट कर दी, इसमें नॉर्मल बल्ब है। तो अभी देखते हैं इसका ब्राइटनेस क्या रहेगा। तो मैं करता हूँ चाबी ऑन, मीटर वो चल रहे हैं, देखो ब्राइटनेस में बहुत फ़र्क है। देखो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है इसके मुकाबले, विजिबल डिफरेंस है, सामने सामने दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी ब्लिंकिंग ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब, तो इस वजह से और ब्राइट भी ये ज़्यादा दिख रहा है। अब मैं चारों चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो ये लो, चारों इंडिकेटर फिट हो गए और ब्लिंकिंग कितनी अच्छी है इसकी, देखो लाइट कितनी ब्राइट है। ये निकले इसके नॉर्मल जो बल्ब थे वो चारों निकल गए, मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये देखो इतना सही ब्लिंक हो रहा है अभी। चेंज तो कर दिए मैंने इंडिकेटर, और वीडियो अच्छी लगी अगर तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।